एक रिपोर्ट अभी पिछले दिनों आई है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा अखबारों में, सीएमआई की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि एक साल के अंदर 1,10,00,000 नौकरियां इस देश में खत्म हुई हैं। मोदी जी के शासनकाल में एक वर्ष में 1,10,00,000 लोग बेरोजगार हुए हैं, ये रिपोर्ट कहती है। और हमारी हालत रोजगार देने के मामले में बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों से भी बदतर है, चीन से बदतर है, पाकिस्तान से बदतर है, बांग्लादेश से बदतर है, श्रीलंका से बदतर है, भूटान से बदतर है, यानी अड़ोस पड़ोस के देशों से भी हम बुरी हालत में हैं। इतने बेरोजगार हमने पैदा कर दिए। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप ये रोजगार का आरक्षण लेके आए कि बेरोजगारी का आरक्षण लेके आए? मुझे तो लगता है बेरोजगारी का आरक्षण सरकार लेके आई है, जहां नौकरियां है ही नहीं। तो बेरोजगारी के आरक्षण में इस देश के लोगों को तय करना है कि दलितों को कितनी बेरोजगारी लेनी है, कितना परसेंट, पिछड़ों को कितने परसेंट बेरोजगारी लेनी है, सवर्णों को कितने परसेंट बेरोजगारी लेनी है, क्योंकि मोदी जी के राज में नौकरी तो है नहीं, बेरोजगारी का आरक्षण जरूर मिल सकता है आपको।